ये अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके सरकारी नौकरी दिलवाते हैं। जब इनकी पत्नी को सरकारी नौकरी लग जाता है तो इनके पत्नी जो है इनको छोड़ देती है और अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए ये मजदूरी भी करते हैं और बाहर जा करके कंपनी में काम भी करते हैं। बाकी आगे क्या इनके साथ और हुआ इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंटू कुमार। अच्छा मंटू जी, आप अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके सरकारी नौकरी दिलवाए। जी हाँ सर। और आपके पत्नी छोड़ दी? हमको छोड़ के चली गई किसी और के साथ। हाँ, वो अपना मैंने आशी के साथ जहानाबाद में रहती है, उससे बात करती है, मिलती है। वो आशिक उसका है, उसका मायके भी जाती है, उसका परिवार सब मिला हुआ है, सब मिल के इसे करवा रहा है। अच्छा, आप अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ काम किए? हम अपना पत्नी को पढ़ाने के लिए हम बहुत जगह काम किए हैं, बाहर बाहर, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पूना, हैदराबाद, यहाँ गुजरात भी किए हैं, उसके बाद यहाँ काम किए हैं, बहुत जगह पर काम जाए और ही जहाँ ना सगरों काम किए हैं हम। हाँ। गाया भी काम किए हैं। अच्छा, तो आपकी शादी कब हुई? 2015 में। 15 में जब शादी हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि आपके पत्नी जो है क्यों दूसरे के साथ रहने पर मजबूर हो गई? क्या आपके से आपको से वो संतुष्ट नहीं थी? हम मैंने उसको नौकरी लग गया ना तो बोली ना, उसको नौकरी के घमंड हो गया और कुछ के नहीं, उसको नौकरी के घमंड हुआ कि हमको नौकरी लग गया, तुमको नौकरी ना लगल है, तू पढ़े लिखे है, जे हम तुमको ही नहीं जाएंगे, नहीं रहेंगे, हम अपना नौकरी वाला कोई अच्छा लड़का देख के शादी करेंगे, अच्छा चीज संपत्ति भीर बाला भीर जाएंगे, तुमको खेती बाड़ी ना है, पैसा कौड़ी ना है, कुछ नहीं। तो वो तो पहला ही तो ले ली, वो हमसे पहला ही खेत बेचवा दिया, लोन लेके दे दिए उसको, अपना खेत बेच के वो अपना नाम खेत ले ली नैहर में, झूठ बोल के हमसे छल करके कि आप तुमको नाम लेंगे, चाहे तुमको अपना बेटा के नाम लेंगे, लेकिन ना बेटा के नाम ली ना हमको नाम ली, वो अपना नाम ले ली। अच्छा, वो अपना नाम लेके और 10 लाख रुपया ले लिया बाबूजी के नौकरी पर, लोन लेके अपना खेत बेच के उसको दे दिए। अच्छा, इतना तकलक कर दी ना कि बाप से मेरा चुप पे झूठ छल करके ATM बना के ATM से यूज करता था और मेरा बाप के नौकरी पर पासबुक से देखिए अपडेट कर ट्रांसफर करवा ली है पैसा झूठ बोल के छल करके। अच्छा, इसमें प्रतीक्षा पर पिताजी का नौकरी था, सरकारी नौकरी? मेरा पिताजी की नौकरी था, सरकारी चौकीदार थे। आपके पिताजी के बिना कैसे वो पैसा ले लेते थे? मेरा पिताजी पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। मेरे पास पिताजी से झूठ बोला छल किया, हमसे भी झूठ बोला छल किया। मेरा पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, खाली साइन करे भर जानते हैं। तब मेरा पिताजी से ये झूठ बोल के पैसा ट्रांसफर करवाई, ATM बनाया, ATM के यूज करता था कि आपको पैसा इतने मिलता है, सैलरी इतना कट जाता है, ये ट्रांसफर करवा ली एक अथी पर, फार्म पर अप्लाई करवा के साइन करवा के करवा ली कि ये चीज के फार्म हवा जे तो नौकरी में ही, मैंने कुछ बहाना करके झूठ बोल के वो साइन करवा के वो छल करके पैसा निकालती थी। तो जब हमको मालूम चला कि आप उनको बुला के क्यों पैसा निकाल के देते हैं, पासबुक अपडेट किए, उसके बाद ये पर खुशबू छपा, पैसा जो ट्रांसफर करवाया दूसर बैंक पर, अब ATM छपने लगा, तो हमको मालूम चला, तो हमको समझ में आ गया कि खुशबू नाम, तो इसको तुरंत हम ATM को बंद करवाएं, ये जो पैसा ट्रांसफर करवाई थी ये सब निकाली थी, इसी बात के लेके उससे कहें तो हमसे झंझट करने लगे कि हम नहीं निकाले हैं, यह हुआ। अच्छा, आपको ये कब पता चला कि आपके पत्नी को किसी और के साथ अफेयर है? हमको पता चला कि वो लड़की ट्रेनी में गई और साल भर जो जहानाबाद शांति नगर में रही है फ्लाइट लेके उस लड़का के साथ, वो अपना मैंने आशी के साथ, ता हमको मालूम, हमसे नहीं मिली ना, हमसे मिल के गई ना, हमसे बात करती थी, और साल भर मैंने उसी अपना आशी के साथ रही जहानाबाद में, और ट्रेनी में चल गया, ता हमको मालूम चला कि वो लड़की उसको साथ रहता था। अच्छा, हम अपना आँख से भी देखे थे उस लड़का के साथ गाड़ी पर घूमते। अच्छा, उस लड़का के साथ गाड़ी पर घूमते हुए आप अपने आँखों से देखे थे? हम अपना दूर से देखे थे, भीड़ में नहीं गए थे, गाड़ी नजदीक क्यों नहीं? नजदीक नहीं गए, वो लड़की वो अपना आशिक से हमको जान मरवा देगा, इसी के चलते नजदीक नहीं गए थे। अच्छा। हमको ये मालूम चला था कि वो लड़की जहानाबाद शांति नगर पूर्वी ऊंटा में रहती है, एक नंबर गुमटी के पास, हम एक नंबर पत्नी है, और आपको ये नहीं मालूम कि हमारी बीवी कहाँ रह रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ऐसा क्यों? हमको कोई परिवार बताइबे नहीं करते थे, कहते थे कि वो नहीं, वो लड़की बोलती थी ना, आप बात नहीं करते थे अपने पत्नी से कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ रह रही हो,
है ना, आप पैसा भेज रहे हैं तो वो घड़ी बात होता था कभी कभी, मैंने रोज नहीं बात होता था, डेली नहीं, काम करने में लगे रहते। हाँ तो कभी कभी बात छुट्टी मिलता था तो करते थे, तो बोलती थी ना कि हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं यहाँ, जो पढ़ाई में हमको डिस्टर्ब न कीजिए, जो छुट्टी मिलेगा तो हम फोन करेंगे, और न तो कभी बोलती थी कि हम यहाँ ट्रेनिंग में आए हैं कभी यहाँ, सब बोल के न रही। तो उसके बाद हमको मालूम चला जब दशहरा के टाइम में हम अपना ससुराल गई अपना बच्चा बच्ची को लाने, तो हमको मालूम चला कि वो लड़की इसके साथ रह रही है अपना आशिक के साथ। यानी कि आप बता रहे थे कि आपके नाम पर जो है वो किसी और लड़के के साथ कई सालों तक रही। हाँ मैंने साल भर तक रह भी की लमसम, एक साल तक लग अपना आशिक के साथ। वो लड़का उसके डेरा पर गए थे कि नहीं? हाँ डेरा पर वो रही थी, जब तला नहीं गए थे, हमको कोई बताई भी नहीं किया था। जब बच्चा को लाने गए दशहरा के टाइम में अपना ससुराल में, तो उसका भाई उसका परिवार ही हमको कहा कि तू अपना बेटा के ले जा एक नंबर गुमटी पर, वही बता दे तो रूम, बाकी अखनी कोई नहीं बताता था। तब बेटा के लेके गए, बेटी के लेके गए, तो रूम बता दिया, रूम में गए तो आजू बाजू अगल बगल के सब कहने लगा कि आपके अलावा दूसर लड़का के साथ रह लो, कह लो कि हमारे हस्बैंड है। अच्छा जो हस्बैंड बना के रहती थी फ्लाइट लेकर, तो जब वो मकानों मालिक के पता चला कि ये लड़का लड़की गंदा है, तो रूम खाली करवा दिया था। अच्छा तो फिर दूसरा जगह रूम लेके रह रही है, जो ये हमको मालूम अब नहीं है कि कहाँ रह रही है। अच्छा अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम इसी ये चाहते हैं कि जो हम दिए हैं, हमको से जो खर्च ले लिए, खेत बेचवा दिया, अपना नाम में खेत ले ली, ये 10 लाख रुपया ले लिया, अभी तक लोग हमसे 20 लाख से ऊपर रुपया लेके और हमको सारा संपत्ति बेचवा के हमको लात मार के वो चली गई, बच्चा बच्ची को भी छोड़कर। तो हम यही चाहते हैं कि उससे इंसाफ मिले, हमको हक मिल सके कि मेरा 2 बच्चा है उससे हक मिले कि हम बाल बच्चा को पालन पोषण कर सके। जब हमको नहीं हुआ तो बाल बच्चा के भी नहीं होगा, बाल बच्चा के भी जान मार देगा, हम कहूँ मारता है, जान मार आवेला, धमकी देवाता है, गाड़ी गलौज देवाता है, वो अपना आशिक के साथ नंबर दे के हमको कई लड़का से वो धमकी देवाता है, हमको नंबर बांट कर। ये सब चीज़ें जो है आप थाना में FIR किए कि नहीं? थाना में किए थे, वो अपना जो उसका पंचायत के जो सरपंच है उसी भर उस पंचायती भी हुआ। हाँ पंचायती भी हुआ, थाना में भी किए, तो थाना बोले कोई के बात नहीं, लड़की मानी, थाना बोला सरपंच साहब भी बोले कि जाके अब वो लड़की ऐसे गलती करी था बा, तो तू जाके कोर्ट में तू आवेदन दे और कोर्ट में तू केस करा कि हमको साथ ऐसे ऐसे करा, अब दोनों कोर्ट में समझिया, अब एरा में जब हमरो बात ना माने तो तोरे ना बात माने था बा, तब हम का कर सकली, और माय बाप सब परिवार मिलल है, सब मिल के इसे करवा रहा। आपकी पत्नी भी आपके ऊपर केस की है क्या? हाँ हम पर ऊपर उल्टा हम पर आरोप भी लगाया, हम पर केस भी किए महिला थाना में आओ कोर्ट में कि हम कोई खर्चा नहीं देता था, हमको मारता था पीटता था, हमको खाने लाना देता था पिए लाना देता था, मैंने यही जमाना आरोप लगाया है कोर्ट में। अच्छा जब जब कोर्ट में केस चल रहा है? जी हाँ एक कोर्ट में केस चल रहा है। तो कोर्ट के ऊपर आपको भरोसा है? हाँ कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि कोर्ट हमको इंसाफ दे सके। हम तो यही भरोसा पे तारीख जा रहे हैं आ रहे हैं, करीब हम कभी कभी हम तारीख भी नहीं जाते हैं, वहू पर हम पर नोटिस करवा देता है, तारीख नहीं जाते हैं, डर से नहीं जाते हैं कि वो अपना आशिक से गाड़ी देवाता है, धमकी देवाता, वो अपना बाप से भाई से वो अपना रहता जो यार के साथ उसको से गाड़ी देवाता धमकी देवाता है कि तू आवेगा जहाँ ना आता जान मार देंगे, बेटा के भी मार देंगे, तुम कहूँ मार देंगे, तो अपना बेटा के लेके किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं, ऐसा हम कितना दिन जिंदगी काटेंगे। उससे हमको आप सबसे यही विनती है कि हम हाथ जोड़ रहे हैं कि उसे हमको इंसाफ मिले कि हमारा हक मिल सके कि बाल बच्चा के पालन पोषण कर सके। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग भी अपना राय विचार दे सकते हैं, अगर इनकी पत्नी मिलती है तो उनसे मैं भी बातचीत जरूर करूँगा, अगर वो चाहती है कि हम भी अपना बात रखें तो आप जो है हमको आप सूचना दे सकते हैं, आपसे भी मैं बातचीत जरूर करूंगा। आपकी पत्नी का पोस्टिंग कहाँ है? जहानाबाद में। जहानाबाद में? जी हाँ। अच्छा होमगार्ड में? हाँ होमगार्ड में। जहानाबाद में नौकरी लगा है? होमगार्ड में। होमगार्ड में नौकरी लगा जी। बाकी आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।